बच्चों, आज अपन सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो अपने पेपर सेकेंड फर्स्ट पेपर है, प्रमुख राज्य व्यवस्था है, उसके अंदर ब्रिटिश संविधान के बारे में अपन पढ़ रहे थे, अपन बात कर रहे थे। आज इसी ब्रिटिश संविधान, इससे पहले अपन ने ब्रिटिश संविधान के विकास और इसको देखा था स्रोतों को। आज ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। प्रश्न अगर आए तो पॉइंट वाइज आप लिखिए और कुछ उदाहरण के साथ लिखिए। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले नंबर वन पे हम जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान जो है, ये हम जब शुरू करें तो जरूर लिखें कि ब्रिटिश संविधान वस्तुतः परंपराओं, रीति रिवाजों के आधार पर भी एक विकसित संविधान है, और जो संयोग और विवेक दोनों का शिशु है, यानी कि दोनों का ही मिश्रण है। अपन ने पहले देखा, जो लास्ट लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश संविधान में परंपराओं के आधार पर तो विकास हुआ है ना, संयोग जिसको कहते हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारे जो लिखित दस्तावेज हैं, यानी कि जो विवेकपूर्ण निर्णय है, उसके आधार पर भी इसका विकास हुआ। तो विवेक और संयोग दोनों का शिशु है, ऐसा कहते हैं। और इस आधार पर इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले एक नंबर वन पे विकसित संविधान। जो विकसित संविधान, यद्यपि ब्रिटिश संविधान अलिखित है, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश संविधान है वो लगभग एक पूर्णतः विकसित संविधान है ना। अपन देखते हैं मैग्ना कार्टा से लेकर 9वीं शताब्दी में जब राजतंत्र की स्थापना हुई, तब से लेकर और जब 13वीं शताब्दी में के प्रारंभ में मैग्ना कार्टा आया, तब से लेकर 17वीं शताब्दी में जब प्रतिनिधियात्मक संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, तब से लेकर ब्रिटिश संविधान अलिखित होने के बावजूद एक बहुत विकसित संविधान हो गया, जिसमें क्लियरली स्पष्टता है, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी यानी कि अस्पष्टता नहीं है। तो ये एक विकसित संविधान की श्रेणी में है अलिखित होने के बावजूद। दूसरा पॉइंट, नेचुरली स्वाभाविक रूप से अलिखित संविधान, ये पॉइंट अपन जरूर लिखें कि ब्रिटिश संविधान दुनिया का एक बड़ा अलिखित संविधान है। और हमने ये देखा कि जो संविधान है, ब्रिटिश संविधान, उसमें परंपराओं के होने के बावजूद कुछ लिखित दस्तावेज भी हैं, लेकिन फिर भी व्यापक स्तर पर देखें तो ये अलिखित संविधान है। एक एक कन्वेंशन, एक ट्रेडिशन, कस्टम, और जो उसके बेसिस पे कॉमन लॉ, सामान्य विधि डेवलप हुआ, उसके आधार पर ही कानून व्यवस्था वहां पर है। और इसके बावजूद, एक बहुत बड़ी बात है, इसके बावजूद वहां पर अलिखित संविधान होने के बावजूद वहां पर कानून का राज है, कानून का शासन है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। इसका मतलब कि वहाँ कॉमन लॉ इतना डेवलप है कि वो उसके आधार पर रूल ऑफ लॉ लागू करने में कोई अस्पष्टता या कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट है लचीलापन, है ना, लचीला संविधान, यानी कि जिसको कहते हैं कि ये समयानुसार, परिस्थितिवश, अगर कोई आवश्यकता हो परिवर्तन की तो उस परिवर्तन को भी किया जा सके। तो इतना लचीलापन ब्रिटिश संविधान में है, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया कोई ऐसी कठिन नहीं है, और उस वहाँ संसदीय व्यवस्था का विकास हो गया है, तो उन संसदीय व्यवस्थाओं के माध्यम से, उस संसद के माध्यम से संविधान में, संविधान अगर कोई स्थापित परंपरा भी है तो उसमें उचित परिवर्तन किया जा सकता है। और इसलिए संसद अपने, पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से ये संविधान में परिवर्तन कर सकती है। यद्यपि हम देखते हैं कि भाई 1918 और 1928 में जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, उससे पहले नहीं थी, परंपराएं वहां कुछ और थी, लेकिन 1928 में महिलाओं को भी अधिकार दिया गया मताधिकार का। तो इस तरह से, क्योंकि जैसे जैसे महिला अधिकारों का आंदोलन बढ़ा तो इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो ये परिवर्तनशील है। ये फिर एक एक प्रकार से वो लोकतांत्रिक, ये राजतंत्र,
लोकतांत्रिक राजतंत्र है। अब यद्यपि वहां राजतंत्र है, कई लोग कहते हैं राजतंत्र है, वो निरंकुश, सैद्धांतिक रूप से निरंकुश है, लेकिन व्यवहार में देखेंगे तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद से ही राजतंत्र की शक्तियां निरंतर कम होती गई और संसद की शक्तियां शक्तियों में वृद्धि होता गया। तो इस तरह से एक एक बहुत ही अद्भुत लोकतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिटिश संविधान ने की है। और जो बेजहॉट है, उन्होंने जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नाम की पुस्तक लिखी, बहुत बड़े कानून संविधान लिखे थे बेजहॉट, उन्होंने जब इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब लिखी तो उन्होंने कहा था गॉड सेव द किंग, है ना, यानी कि जो इंग्लैंड की जो इंग्लैंड का जो गीत है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय गीत है, वो गॉड सेव द किंग, यानी और एक दूसरा कॉन्सेप्ट और द किंग कैन डू नो रॉन्ग, है ना, यानी कि राजतंत्र को बहुत ही अच्छे से लोकतंत्र के साथ स्थापित किया। और आज भी हम देखते हैं कि वहाँ राजतंत्र है, लेकिन वो सामान्य कामकाज में, संसद के कामकाज में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता है राजतंत्र, और इसलिए एक तरह से सीमित राजतंत्र है। और ये एक इसको अगर हम सैद्धांतिक रूप से तो राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में देखें तो असल में ये एक तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य की तरह ही दिखता है। जैसे भारत में नाम मात्र के प्रधान है राष्ट्रपति, गणराज्य है, गणतंत्र है अपना, इसी तरह से इंग्लैंड में भी जो राजा या रानी है वो शासक है, जो ये राजतंत्र है वो एक प्रकार से नाम मात्र का प्रधान है, संविधानिक प्रधान ही रह गया है। तो ये एक बहुत खास बात है, अद्भुत चीज है, एक तरह से लोकतांत्रिक राजतंत्र है। कई अन्य देशों में इसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे जापान है, या जैसे थाईलैंड है ना, इन देशों में लोकतांत्रिक राजतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में ये बहुत ही विकसित अवस्था में है। एक और अन्य विशेषता जिसका उल्लेख करना चाहिए अपने को, वो है संसदीय लोकतंत्र, संसदीय शासन व्यवस्था। इंग्लैंड पूरी दुनिया के संसदीय शासन व्यवस्था का रोल मॉडल माना जाता है। पहले, सबसे पहले इंग्लैंड में ही, ब्रिटेन में ही इस संस्था का, इसका संसदीय व्यवस्था का संस्थागत स्वरूप विकसित हुआ, और उसके बाद भारत समेत अनेक देशों में ये अपनाया गया। इंग्लैंड में इसी संसदीय व्यवस्था के कारण मंत्रिमंडलीय पद्धति की स्थापना हुई, जिसको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं, जिसको मंत्रिमंडलीय पद्धति या कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं, वो विकसित हुई, और इसी के तहत संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत भी स्थापित हुआ। तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, जुडिशियल रिव्यू एज सच वहां पर एक सिद्धांत के रूप में विकसित नहीं हुआ, नए डेवलपमेंट, संसदीय सर्वोच्चता मान्य है, सर्वमान्य है एक ही। फिर इंग्लैंड के जो का संविधान है उसकी एक और विशेषता है एकात्मक शासन, संघीय व्यवस्था नहीं है इंग्लैंड में, ये ध्यान रहे। जैसे भारत में है, जैसे अमेरिका में है, ऐसे इंग्लैंड में संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में एकात्मक शासन है, यानी केंद्र जो है वो सर्वाधिक, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, मजबूत है, और इकाइयों की, यानी कि जैसे अपने यहाँ राज्यों है, इकाइयों की अपनी शासकीय स्वायत्तता केंद्र के ही अधीन है। ये इंग्लैंड में एकात्मक शासन का एक बड़ा ये है, संसदीय संप्रभुता, संसद सर्वोच्चता, मैंने बता दी। एक और बिंदु है जो मैं पहले बता चुका था, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। डाइसी ने विधि के शासन को बहुत ही, जो ब्रिटिश संविधान विधि थे, उन्होंने इस रूल ऑफ लॉ को काफी अच्छे से समझाया है ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में। और विधि का शासन, सबसे अच्छी बात यह है ब्रिटेन में संविधान में कि अलिखित होने के बावजूद रूल ऑफ लॉ में कहीं कोई स्पष्टता नहीं है, एक तरह से रोल मॉडल भी है। फिर एक और जो है वो है कि भाई अधिकारों का कोई एक लिखित दस्तावेज या घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी नागरिक का अधिकार जो है, नागरिक और मौलिक अधिकार, वो अपने बहुत ही अच्छे स्वरूप में वहां पर विद्यमान है। और फिर धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सेक्युलरिज्म, ब्रिटिश संविधान सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, यद्यपि वहां पर एक व्यवस्था है धर्मनिरपेक्षता के बावजूद कि
कि जो ब्रिटेन का राजा यानी राजतंत्र होगा वो अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट अनुयायी होना चाहिए। जानते हैं ईसाई धर्म का जो प्रोटेस्टेंट मत है वो होना चाहिए, और इस आधार पर कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत की। लेकिन ये है, वहां पर प्रोटेस्टेंट होने के बावजूद सभी मतावलंबियों को पूर्णतः छूट है अपने धर्म मत पंथ अपनाने की, मानने की, है ना। फिर एक द्विदलीय शासन प्रणाली है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन में द्विदलीय शासन प्रणाली है, मुख्य दो दल हैं जिनके इर्द गिर्द सत्ता घूमती रहती है बारी बारी से, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और हालांकि एक कुछ और दल है लिबरल पार्टी भी है, लेकिन वो एक बैलेंसिंग फोर्स कभी कभी हो जाता है। सामान्यतः इन्हीं दो दलों में ये व्यवस्था है, और इस तरह से शक्ति का विभाजन हो या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो वो वहां पर है, लेकिन अंततः संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन ने स्थापित किया। ये ब्रिटेन के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे ऐसे प्रश्न आए तो इसको जरूर अपन अपने को देखना चाहिए। आगे अपन मंत्रिमंडलीय पद्धति, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था ब्रिटेन में ऐसा देखें।